अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा 25 सितंबर सन 2020। आज हम मराठी में पढ़ने जा रहे हैं चतुर कासव। चतुर मतलब चालाक, कासव यानी कछुआ। ठीक है, तो वाचा। अब इसमें ये जो कहानी दी हुई है बच्चों, ये दो तरीके से दी हुई है। देखिए यहाँ पर ये जो गहरे गहरे रंग से लिखा हुआ है ना, अल्फाज लिखे हुए हैं जो, वो यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं उनको देखते हुए है। ठीक है, तो अभी इसको नहीं, मैं ये पढ़ने जा रही हूँ। आज आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वात्सा। चतुर कासव। एक दिवस कासव जंगला कड़े निघाले, त्याला कोल्हा दिसला। कोल्हा त्याचा दिशेनेच येत होता, कासव घाबरले। कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले, कोल्ह्याने कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। कोल्ह्याला वाटले हा तर दगडच आहे, कोल्हा पुढे निघून गेला। कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले। कासवाने कोल्ह्याला आवाज दिला, कोल्ह्याने मागे वळून पाहिले। तो स्वतःशी म्हणाला, अरे रे, शिकार हाची गेली। कोल्हा यानी देखिए यहाँ लोमड़ी, कासव यानी कछुआ। अब ये कछुआ जो है, चालाक कछुए की कहानी है कि एक दिन क्या हुआ। एक दिवस कासव जंगला कड़े निकाले, एक दिन एक कछुआ जो है जंगल की तरफ निकला। त्याला कोल्हा दिसला, उसको जो है कौन नजर आया, उसको लोमड़ी नजर आई। कोल्हा त्याचा दिशेने चियत होता, अब वो कोल्हा जो है कासव के ही तरफ, दिशेने यानी कासव की तरफ ही आ रहा था। कासव घाबरले, कछुआ जो है बहुत घबरा गया। कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। अब ये जो ऊपर का खोल रहता है ना, इसको मराठी में बोलते हैं कवच। ठीक है, हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, खोल, और मराठी में बोलते हैं कवच। अब जैसे ही कछुए ने देखा कि उसकी तरफ जो है कोल्हा आ रहा है, तो उसने जल्दी से, वो घबरा गया और उसने अपने सर और पैर जो है खोल के अंदर एकदम अंदर कर लिए। ठीक है, कोल्हा ने कवच पाहिले। अब कोल्हा जब, यानी ये कोल्हा जो करीब आया कासव के, तो उसने देखा कि ये तो खोल जैसा है, कवच है। आपल्या पायने कवचाला ओरखडले, उसने जो ऊपर का सख्त खोल है कछुए का, उसको अपने पैर से बिल्कुल उसको अच्छे से एकदम एकदम ओरखडले बोले तो एकदम उसको नोच कर देखा कि क्या है ये सख्त सख्त चीज क्या है। कोल्ह्याला वाटले हातर दगड़च आहे, कछुए का ऊपर का खोल जो है एकदम पत्थर की तरह है, तो कोल्हा को क्या लगा कि ये तो क्या है, पत्थर ही है। कोल्हा पुढ़े निगुन गेला, उसको पत्थर समझकर कोल्हा जो है आगे की तरफ चला गया। कासवा ने हड़ुत मान बाहर काट ली, कासव ने क्या किया, कछुए ने क्या किया, धीरे से अपना सर जो है अपने खोल के बाहर निकाला। ते पाण्यात शिरले, और वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर चला गया। कासवा ने कोल्ह्याला आवाज दिला, पीछे से ये कछुए ने जो है लोमड़ी को आवाज दी। कोल्ह्या ने मागे वड़ून पाहिले, कोल्ह्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तो उसने खुद से ही, स्वताशी यानी खुद से ही बोला, अरे रे, शिकार हाथी गेली, यानी जिसे वो पत्थर समझ रहा था वो पत्थर नहीं था बल्कि क्या था, कछुआ था। तो उसने बोला, अरे मेरे हाथ से जो है मेरा शिकार निकल गया। तो आज ये आपने कहानी समझी चतुर कासव। तो आपको आज ये दोनों तरीके से जो है कहानी अच्छी तरीके से लिखना है, एक मर्तबा पढ़ना है और आपको ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक है बेटा।